ट्रेन में तो आपने कई बार सफर किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन्स में सफर करने के बारे में सोचा है? भारत में भले ही आज भी अंडर वाटर ट्रेन्स को विकसित किया जा रहा है और इस फील्ड में काफी काम होना बाकी है, लेकिन दुनिया में कुछ देश है जो इस तकनीक को विकसित करने में सफल रहे हैं। वहाँ के लोग पानी के अंदर ट्रैवल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। सुनने में एक्साइटिंग लगता है ना? तो चलिए आज आपको भी पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन का सफर कराते हैं। दुनिया की बेस्ट अंडर वाटर ट्रेन्स के बारे में बताते हैं और इन अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं जो जल्द ही तैयार होने वाले हैं। साइकिन टनल। ट्रेन, गैजेट्स और मेट्रो की बात हो तो सबसे पहला जिक्र जापान का ही आता है। नो डाउट, इस देश ने तकनीक के मामले में पूरी दुनिया को शिकस्त दी है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स बनाने से लेकर अंडर वाटर रेलवे टनल विकसित करने में जापान का कोई जवाब नहीं है। तभी तो इनके पास 53.85 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल है। ये टनल होनशू और होकाइडो आइलैंड को आपस में जोड़ता है। होनशू आइलैंड के आओमोरी प्रीफेक्चर स्टेशन से ट्रेन होकाइडो के शिनहाकोडाटे हाकुटो स्टेशन तक दौड़ती है। इस टनल का 23.3 किलोमीटर ट्रैक पानी के नीचे है, यानी कि इस ट्रैक पर ट्रैवल करने वाले लोग सी बेड के नीचे से गुजरते हैं। खैर, दिलचस्प बात यह है कि ट्रैक समंदर में 140 मीटर की गहराई में है और इसीलिए ये दुनिया का सबसे गहरा रेलवे टनल है। हर दिन इस ट्रैक पर 50 ट्रेन रफ्तार से दौड़ती है और पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। वैसे बता दे कि इस टनल को बनाने का प्रोजेक्ट जापान ने 1971 में शुरू किया था और साल 1988 तक इसे बनाकर तैयार कर लिया गया था। $3.6 बिलियन की लागत से बने साइकिन टनल को काम करते हुए आज 34 साल हो चुके हैं और आज भी ये परफेक्ट कंडीशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि ट्रेन्स की तकनीक में जापान अल्ट्रा लेवल है। हाई स्पीड मेंटेन करने के साथ इनकी तकनीक टिकाव भी होती है। द चैनल टनल। चैनल टनल वो जरूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसकी बदौलत यूरोप और इंग्लैंड इंटरकनेक्टेड है। 50.46 किलोमीटर लंबा ये रेलवे टनल इंग्लैंड के फोल्कस्टोन पोर्ट टाउन को फ्रांस के कॉकवेल से जोड़ता है। ये एक इकलौता फिक्स लिंक है जो ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपियन मेनलैंड से जोड़कर रखता है। अपने लोएस्ट पॉइंट में ये रेलवे टनल 75 मीटर गहरा जबकि मैक्सिमम पॉइंट पर 115 मीटर गहरा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर रेलवे टनल है जिसका 38 किलोमीटर हिस्सा अंडर वाटर है। इंग्लैंड में एक भारी तादाद में पैसेंजर्स इस रेलवे रूट का इस्तेमाल करते हैं। इस टनल से गुजरने वाली ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और पैसेंजर्स को जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है। यूरोस्टार जैसी फास्ट ट्रेन्स भी इस टनल पर आसानी से दौड़ पाती है। इससे पता चलता है कि यूरोप ट्रेन्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी में कहीं आगे है। वैसे बता दे कि इस रेलवे टनल को बनाने वाला देश भले ही फ्रांस था, लेकिन दोनों ही देशों के लिए इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कीमत बहुत ज्यादा है। दिलचस्प बात है कि सी बेड के नीचे विकसित इस रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने का काम जोर शोरों से चालू है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए और यूरोप को बड़े देशों को कनेक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। खैर, ये तो रही वो ट्रेन जिनकी सर्विसेज का मजा कस्टमर्स पहले से ही उठाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जो पानी के अंदर फास्ट बुलेट ट्रेन्स को दौड़ाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम यूएई का आता है। दुबई ट्रेन। बात टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने की हो, आइलैंड बनाने की या फिर अंडर वाटर ट्रेन बनाने की, विकास के मामले में यूएई ने हमेशा से दुबई को सबसे अनोखा बनाने की कोशिश की है। यही वजह है कि दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने की तरफ काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट में भारत दुबई के साथ है। दरअसल दोनों देश मिलकर मुंबई से दुबई तक अंडर वाटर रेल नेटवर्क बिछा रहे हैं। ऐसा करने का मकसद दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस इंटरकनेक्शन की मदद से आप और हम 2000 किलोमीटर का फासला तय कर केवल 2 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात है कि इस नेटवर्क की बदौलत भारत और दुबई के बीच तेल और गैस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफी दुरुस्त हो जाएगा, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। भारत और यूएई के इस कंसेप्चुलाइज प्रोजेक्ट पर काफी जोरों से काम चल रहा है। इसे बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज मरीन लाइफ को मेंटेन रखना भी है, लेकिन अगर ये फास्ट ट्रेन ऑपरेट होती है तो भारत कई लेवल्स पर डेवलप हो सकता है। चाइना अंडर वाटर ट्रेन। चाइना के बनाए गए सस्ते इनोवेशन की उम्र भले ही 2 दिन की होती है, लेकिन ये देश कॉपी करने में कभी पीछे नहीं रहता। यही वजह है कि अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन नेटवर्क बनाने में चाइना भी पीछे नहीं है। ये देश 77 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बनाने पर काम कर रहा है जो निंगबो को शंघाई की पोर्ट सिटी ज़ोशान से जोड़ेगा।
इस रेलवे लिंक का 16.2 किलोमीटर हिस्सा अंडर वाटर होगा और इस पर हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेशनल किया जाएगा, यानी कि इस रूट पर चलने वाली ट्रेन बाकियों के मुकाबले ज्यादा जल्दी पैसेंजर को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी। वैसे बता दें कि चाइना के पास दुनिया के सबसे हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स है और इस रेल नेटवर्क को बनाने के पीछे मकसद बाकी देशों को अंडरवाटर चाइना से कनेक्ट करने का है। साल 2014 से ही चाइना ऐसे अंडरवाटर रेल नेटवर्क्स को बनाने की फिराक में है, जिससे यूएसए, कनाडा, चाइना, रशिया, सर्बिया जैसे बड़े देश आपस में जुड़ सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने का खर्च $200 बिलियन बताया जा रहा है। इंडिया अंडरवाटर ट्रेन। अंडरवाटर ट्रेन दौड़ाने की होड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता शहर पहले ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दरअसल यहां चलने वाली मेट्रो लाइन जल्द ही सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और हावड़ा मैदान के बीच ऑपरेशनल होगी और इसके लिए उसे अंडरवाटर हुगली रिवर से गुजरना होगा। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी फेजेस पर काम किया जा रहा है। आपको बता दे कि इस प्रोजेक्ट में अंडरवाटर बनाए गए टनल को 4 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि हुगली नदी के पानी से टनल और मेट्रो को सुरक्षित रखा जा सके। एक बार ये मेट्रो ऑपरेशनल हो जाए तो भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंडरवाटर ट्रेन नेटवर्क है। ये हमारे लिए विकास और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस योजना के सफल होते ही हम कई जगह अंडरवाटर रेल नेटवर्क्स का विकास कर पाएंगे। तो ये थे कुछ ऐसे अंडरवाटर रेल नेटवर्क्स जो या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जल्द ही विकसित होने वाले हैं। दाद देनी होगी टेक्नोलॉजी की, जो 21वीं सदी में हम सी बेड में हाई स्पीड ट्रेन्स को दौड़ाने पर काम कर रहे हैं और एक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का विकास कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आप किस रेल नेटवर्क की यात्रा का मजा लेना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का ये मजेदार वीडियो यही खत्म होता है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।